जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 जुलाई जो कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ सकता है। बस आपको उसके निमित्त उपाय करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लौंग जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, ज्योतिष कार्य के अंदर इसको उच्च स्थान प्राप्त है। इसके माध्यम से आप जैसा चाहते हैं वैसा अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरा करवा सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त करना, आपके घर के ऊपर की नजर दोष को समाप्त करना, ये सारे कार्य लौंग के माध्यम से संभव है। तो आपको दोस्तों इस चंद्र ग्रहण को लौंग का उपाय करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने सूर्य ग्रहण के ऊपर भी लोगों को इस उपाय का बताया था, तो लोगों को कई प्रकार का फायदा पहुंचा, जो कि हमें उन्होंने कमेंट के माध्यम से बताया कि हाँ, आपके उपायों से हमें फायदा प्राप्त हुआ है और सप्ताह भर के अंदर अंदर उनको रिजल्ट मिलने लगा है। तो दोस्तों, आज हम वही उपाय चंद्र ग्रहण के लिए बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये चंद्र ग्रहण के दिन लौंग का उपाय करने वालों को निश्चित तौर पर इसका फायदा प्राप्त होता है। आपकी क्योंकि दोस्तों ये एक हित के लिए उपाय नहीं है, आप जैसा चाहते हैं आपकी इच्छा पूर्ति का उपाय है, तो आपको इसे जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या करें कि आपको 5 साबुत लौंग लेना है, और 5 साबुत लौंग को लेकर आपको क्या करना है कि इस चंद्र ग्रहण के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि सूतक काल होता है, तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि सूतक काल के समय पूजा नहीं होती, लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण है सूतक काल मान्य नहीं होगा, मंदिर के पट बंद नहीं रहेंगे, तो आप निश्चित तौर से पूजा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि लक्ष्मी की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, उनके सामने यह लौंग अर्पित करना है, और उनकी पूजा करते समय आपको ओम श्रीम श्री नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको मात्र जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको क्या करना है कि 5 दीपक आपको जलाने हैं, और दोस्तों उन 5 दीपक के अंदर आपको आपकी हर एक मनोवांछित इच्छा मांगने के बाद उनके अंदर वह लौंग आपको डाल देना है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का आपको सटीक प्रभाव देखना है, उसकी चमत्कारी शक्ति आपको देखनी है, तो आपको यह उपाय निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करवाने वाला है। तो आप क्या करें कि वह 5 लोग उन 5 दीपक के अंदर डाल दें, और उसके बाद आपको उन दीपक को आपको कहां रखना है, यही इस उपाय का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, आपको सबसे पहला दीपक होता है, उसे आप अपने घर में जहां खाना बनाते हैं, अपने चूल्हे के पास, अपनी रसोई के अंदर आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों यह चंद्र ग्रहण की सकारात्मक ऊर्जा आपकी रसोई के अंदर देता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से आपकी रसोई कभी भी खाली नहीं रहती है, आपके घर परिवार के अंदर दोस्तों कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है इस उपाय को करने से। दोस्तों, दूसरा जो दीपक रहता है उसे आपको अपने घर के पूजा घर में ही रखना है, क्योंकि दोस्तों देवताओं की विशेष कृपा जिस घर के ऊपर रहेगी, उस घर के ऊपर दोस्तों कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट और संकट नहीं आता है, तो आपको जो दूसरा दीपक वहीं पर आपको रखे रहना है। तीसरा दीपक दोस्तों आपके घर के सदस्य सबसे ज्यादा जहां समय बिताते हैं, तो आपको इस चंद्र ग्रहण के समय आपको वहीं पर रखना है, ताकि क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जा वहां पर बनी रहेगी और वहां की नकारात्मक ऊर्जा आपसे कोसों दूर चली जाएगी, जिसके तौर पर आपको आपके जीवन के अंदर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बढ़ता है और प्यार देखने को मिलता है। चौथा दीपक दोस्तों आपको इसको क्या करना है, चौथे दीपक को आपको आपके घर का जो भी धन रखने का स्थान है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के लिए, क्योंकि लौंग क्या होता है वहां की नकारात्मकता को दूर करता है और वहां पर दोस्तों सकारात्मकता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी आपके धन के अंदर बरकत कराती है, धन आने के नए मार्ग खोलती है। तो आपको क्या करना है कि वह चौथा दीपक आपको अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं वह धन रखने के स्थान पर आपको रख देना है। और पांचवा जो आखिर दीपक रहता है दोस्तों, इसे क्या करना है, आपको आपके घर के अंदर जहां भी वास्तु दोष हो या फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इस दीपक को रखना है। दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, इन सभी जगह पर जो लौंग से दीपक जलता है वह आपके घर के अंदर एक सकारात्मक शक्ति का निर्माण करता है, और चंद्र ग्रहण की जो प्रभावी और सकारात्मक किरण होती है उसको आपके घर के अंदर लेकर आता है, जिसकी वजह से आपको इसका कई प्रकार से फायदा प्राप्त होता है और आपके जीवन के अंदर दोस्तों
दोस्तों कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। और मुख्य द्वार पर जो दीपक रहता है आपके घर के ऊपर देवताओं को आकर्षित करता है और साथ ही साथ नकारात्मकता को आपसे घर से बाहर निकालता है, इस वजह से इसे द्वार पर रखा जाना चाहिए। दोस्तों अगले दिन क्या करना चाहिए कि उस दीपक के अंदर तेल बच जाता है, लौंग बच जाते हैं, तो आपको उनको एक संयुक्त रूप से आपको इनको एक साथ के अंदर ले लेना है और अपने घर की मुख्य छत पर आपको आकर आपको वहां पर या अपनी बालकोनी में जहां से खुला आसमान हो वहां पर आपको इन दीपक को जला देना चाहिए ताकि इनके अंदर की जो भी नकारात्मकता होगी, क्योंकि लोगों को आपको साबुत नहीं रखना है, वह नकारात्मकता से भर जाते हैं क्योंकि सकारात्मकता उनसे चली जाती है, तो आपको इनको एक साथ जलाकर इसे फेंक देना चाहिए, तो आपका उपाय सक्सेस हो जाता है और उस उपाय को करने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की को प्राप्त करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।